हमारे साथ एक और बहुत विशेष मेहमान लंदन से जुड़ रही हैं और उनका नाम है श्रेया नारायण। वो एक एक्ट्रेस हैं और मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हैं, लेकिन इस समय हमारे साथ वो लंदन से जुड़ रही हैं। यानी श्रेया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने मुझे बुलाया। तो श्रेय, हम आपसे आपका पर्सपेक्टिव लेना चाहते थे। मैं ये कह सकता हूँ कि यू आर अ नॉन रेजिडेंट बिहारी बट वेरी एक्टिवली इंटरेस्टेड इन बिहार। एक्चुअली मैं मुंबई में रहती हूँ। ये तो ऐसा वक्त है कि मैं फैमिली को विजिट कर रही हूँ, क्योंकि पूरे साल हम पूरी फैमिली से दूर रहे हैं बीस बीस में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बिहार में हम हर एक दो बार तो बिहार जाते ही हैं, चाहे मुंबई में रहें चाहे कहीं भी रहें, तो बिहार घर है और हमारे पूर्वजों का घर है। इसलिए इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं है, ये वो घर है। तो इसलिए बिहार में पूरा पूरा इंटरेस्ट है। और जो अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, इसको हम डे पर डे अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और बहुत सारे मेरे घर से भी लोग जो हैं वो MLA इलेक्शंस में खड़े हुए हैं, तो इसलिए हम सभी उसमें बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। जी, तो एज अ यूथ, आप तो जानते हैं 50% जो इस बार वोटर हैं वो युवा हैं बिहार में। जी, आप बिहार के जो नतीजे आ रहे हैं और बिहार में जो बदलाव आ रहे हैं उनको लेकर आपको आप क्या सोचती हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो मैं प्रार्थना कर रही थी वो ये थी कि बिहार की जनता जो है, जैसे हमारे पिता और हमारे दादा के टाइम पे, मतलब जातिवाद इतना स्ट्रांग है वहाँ पे कि लोग अपनी जाति के अलावा किसी और को वोट ही नहीं देते हैं, और वो सोचते हैं कि जो उनकी जाति वाला आएगा वो उनको कहीं अच्छा कुछ कर देगा उनके लिए, जो हुआ नहीं है। बिहार में अगर आप पिछले 30 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो बिहार का पतन ही हुआ है। पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब था, थैंकफुली नीतीश जी जब आए तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना, ब्रिजेस बनी, रोड्स बनी, लेकिन रोजगार आज तक नहीं पहुँच पाया। तो जो यूथ है अब पिताजी और हमारी जेनरेशन या जो भी हैं, सब बाहर निकल के हमको काम करना पड़ा। हम क्यों नहीं अपने घर में रह सकते हैं? हम क्यों नहीं वहाँ रोजगार कर सकते हैं? हम क्यों नहीं वहाँ पे पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकते हैं? हम करना चाहते हैं, हम क्यों अपने परिवार को छोड़कर दर दर भटके धक्के खाएं और पूरी दुनिया हमें ए बिहारी या गालियाँ नीचा दिखाते हुए हमें ट्रीट करती है? कोई अपने तरह तो ट्रीट नहीं करता है ना। तो क्यों ना हमारे पॉलिटिशियंस ये याद रखें कि अपनों को आप रोजगार दीजिए वहाँ पे। तो अभी तक रोजगार तो बिल्कुल नहीं आया है बिहार में। अगर अभी जो आएगी सरकार, उससे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आप रोजगार वहीं पे लेकर आए ताकि हमारे, मतलब अब जो लोग हैं उन्हें बाहर ना जाना पड़े, वो परिवार के साथ रह सके और वो खुश रह सके वहाँ पे। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। इसलिए जो आप अभी तक वोटिंग जातिवाद के नाम पे करते आए हैं, सिर्फ आप वो वोटिंग ना करके ये सोचें कि आपके लिए रोजगार कौन लेकर आएगा, आपके लिए रोजगार या काम कौन लेके आएगा, अच्छी एजुकेशन सिस्टम, टाइट एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे बुक्स खोल कर आपको लिखना अलाउड ना हो, ये सारा कौन लेके आया? ये जो है ये नई पीढ़ी डिसाइड करेगी, और उसमें इतनी क्षमता है कि वो जातिवाद के दिमाग से निकले। जी श्रेया, आप तो मुंबई में रहती हैं, दुनिया भर में भी अलग अलग जगहों पर जाती होंगी, जैसे अभी इस समय आप लंदन में हैं। जब आप लोगों को बताती हैं कि आप बिहार से हैं, तो पहला रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? यही कि सभी जानते हैं कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट है इंडिया में, और ये जो तमगा है ये हम आज से नहीं कैरी कर रहे हैं, हम बचपन से ये तमगा कैरी कर रहे हैं। और हम जहां पे भी गए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जाइए पढ़ने, लोग गाली देंगे, जहाँ जाइए आप लोग यू नो आपको नीचा दिखाएंगे, कहीं पे भी। बेचारा वो जो बिहारी जो इतनी मेहनत करता है, कभी भी भीख मांग के नहीं खाया किसी बिहारी ने, आप जाइए उसके उसकी बॉडी पे कपड़े नहीं होंगे, उसकी हड्डियाँ निकल रही होंगी, पर वो मेहनत से, अपनी मेहनत से काम करता है। और कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं श्रेया, ये जो सिचुएशन है ये ठीक होगी, ये बेहतर होगी।
और अब जो नई सरकार जो भी बनेगी, वो मुझे ऐसा लगता है कि जो यूथ वोटर है उनका काफ़ी दबाव रहेगा जिसकी भी नई सरकार बने, और नया एजेंडा ज़रूर जो है वो लागू होगा। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आप रोजगार लेकर आए ताकि हमारे लोगों को दर-दर ना भटकना पड़े। उन्हें ये बात कि आप सबसे पिछड़े स्टेट से आते हैं, उन पे जो हंसते हैं लोग या उन्हें नीचा दिखाते हैं, ये सब ना हो। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही इम्प्रेशनेबल माइंड के होते हैं, उन्हें ये इस चीज़ की क्षति पहुंचती है। तो जो बड़े हैं वो ये कदम उठाएं कि हमारे पास इस तरह का काम हो, वही रोजगार हो। मैं बिजनेसेस को प्रार्थना करूंगी कि आप आइए, इन्वेस्ट कीजिए बिहार में, लेकिन उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए। उसके लिए ये जो एक रंगदारी टैक्स और ये और वो जो गुंडागर्दी होती थी वो सब बंद होगा, तभी कोई भी बिजनेस आएगा ना। आपने भी देखा होगा, इस बार तेजस्वी यादव बहुत ही युवा नेता है, बहुत ही एनर्जी उनकी रैलीज में दिखाई दे रही थी, रोजगार की बात कर रहे थे, और 10 लाख रोजगार का जो दाव उनकी ओर से चला गया वो लग नहीं रुझानों में कि लोगों ने उन पर भरोसा किया। अभी भी जो बिहार की जनता है विकास और रोजगार उसको लेकर आपको लगता है संदेश यही दे रही है कि एनडीए ही वो कर सकता है? जी, मुझे भी ऐसा लगता है। इट इज मेनली बिकॉज जो तेजस्वी जी हैं उनकी फैमिली इस बिजनेस में रही है, पॉलिटिक्स में रही है। पहले हमने उन देखा है कि वो जब थे सत्ता में तो कितना काम हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला। तो विश्वास करना अभी तो मुश्किल होगा। उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो अपनी नई पहचान बना सकें और सिर्फ अपने पिताजी या अपने फैमिली के नाम से वो जुड़ के अगर आएंगे और जंगल राज को भी भूल नहीं पाई है बिहार की जनता। बिहार की जनता, आप देखिए मेरे आंखों में आंसू आ जा रहा है, मैं कांपने लग रही हूँ। हम लोग जो व्हाट टाइम्स वी हैव सीन, जो हमने देखा है वहां पे टाइम्स, वो इतनी भयावह रही है। नीतीश जी के वक्त लॉ एंड ऑर्डर रहा है, तो आप जाके आप एक लड़की के रूप में भी आप बाहर निकल सकते हैं, आप उतना नहीं डर सकते। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, ये सब तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड एक रहा है कि ठीक है, ये रोजगार नहीं ला सके, ये बिजनेसेस को नहीं ला सके, लेकिन इन्होंने इतना तक काम किया है। लेकिन अब हमें सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपको रोजगार, आपको बिजनेसेस लाना पड़ेगा ताकि आप बिहार की जो बच्चे हैं वो अब यहाँ से आगे जा सके। इसलिए विश्वास तो ज़्यादा आई थिंक नीतीश जी पे होगा या एनडीए पे होगा कि ठीक है वो हमारे लिए कुछ काम करेंगे और हमें आगे ले जाएंगे। लेकिन इस वक्त किसी भी पार्टी के बारे में बात ना करके मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हम चाहते हैं कि आप बस रोजगार लेकर आए, आप बिहार के बच्चों को जो दर दर भटकते हैं, अभी कोविड के वक्त आपने देखा कैसे लोग चल चल के वापस बिहार गए हैं, कितनी क्षति पहुंची है हमारे दिल को इससे कि किसी कोई उस ये तो एनडीए गवर्नमेंट हेल्प कर सकती थी ना, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं किया। तो जो गरीब है, क्योंकि बिहारी गरीब है, कहीं जा रहे हैं वहां काम कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, उन्हें आप वापस बसेस या ट्रेन्स भी नहीं दे पाए कि वो घर पहुंच सके। तो जो हम देख रहे हैं, जो बर्ताव हो रहा है बिहारियों के साथ, वो बहुत गलत है। हम चाहते हैं कि हमें रोजगार अपने स्टेट में रहे, स्टेट में अगर रोजगार रहेगा तो हमें दर दर भटकने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जी श्रेय, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं जो बातें आपने बताई हैं, जो एजेंडा आप सेट करने की कोशिश कर रही हैं, वो बहुत जल्द जो भी सरकार बनेगी वो उस एजेंडे को और स्पेशली जो यूथ है उसके लिए ज़रूर, जैसा आप बता रही हैं उसके लिए ज़रूर काम होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।